वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का हिस्ट्री का लेसन 5, जो कि टॉपिक का नाम यानी लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, हम लोग बहुत सारा राष्ट्रवाद पढ़ ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंडिया में आकर के देखें कि आखिरकार इंडिया में लोग एकजुट कैसे हुए, लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार कैसे जगा, सबको एक होना ही। देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, यानी अपने देश के प्रति बिना फायदा के सभी लोग एक होकर के, और अगर देश के लिए आप कुछ कर रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, वही राष्ट्रवाद है। अपना भारत देश तो बहुत बड़ा है ना, तो सबको एक करना बहुत बड़ी बात होती है। और उस समय तो यहां उस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी कि सभी लोगों को जाकर के एक किया जाए, बहुत दूर दूर इलाका है, राज्य है, तो वहां पे जाकर के एक करना बड़ा मुश्किल था। और इस एक करने में सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजों की थी। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, सभी लोग कैसे एक हुए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई, इसके बारे में जानेंगे हम लोग डीपली। यहां देखिए भारत में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद से पूर्व की स्थिति। आप बताइए कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी कैसे हो जाता है, यानी उसके दिल और दिमाग में गुस्सा क्यों आता है। अंग्रेज भारतीयों को बहुत ही परेशान करते थे, टैक्स लेते थे, काम ज़्यादा करवाते थे, मजदूरी कम देते थे, जिसके वजह से लोगों को गुस्सा आता था। और जब लोगों को गुस्सा आए तो लोग राय करने लगे, राय करके एक होकर के अंग्रेजों को भगाने को सोचे। तो जो राय कर रहे हैं ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है अपने देश के लिए, कि यहां से अंग्रेज चला जाए और ये पूरा का पूरा भारत देश आज़ाद हो जाए। यहां देखिए 19वीं शताब्दी में भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, 19वीं शताब्दी में छोटे छोटे इलाका में विभक्त था, ठीक है। और भारत को सबसे बड़ा जरूरी था कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। आखिर कोई तो एक वजह होना चाहिए ना, ताकि सब लोग एक हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, किसी को एक करना हो तो लालच देना पड़ेगा, नहीं देख ये मान लीजिए कि जो भी चीज़ है ये तुम्हारा भी है, इस राज्य का भी है, इस राज्य का भी है, और उस पर कोई दूसरा आ करके इस पर राज जमा लाए, तो कितने शर्म की बात है कि हम लोग इसी देश में हैं और दूसरा कोई आकर के राज्य जमा रहा है। उनको एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ ना कुछ बातों का अभाव था, कि कौन से बात रखे कि सभी लोग एक हो जाए, ठीक है, समान न्याय व्यवस्था का अभाव। और एक और बात है, पूरे भारत में समान रूप से न्याय व्यवस्था नहीं था, ठीक है, बड़ों को कुछ अलग तरह की सजा मिलती थी, छोटों को कुछ अलग तरह की सजा मिली। अगर मान लीजिए कि एक बड़े घर का लड़का है, एक छोटे घर का लड़का है, और दोनों सेम गुनाह किए हैं, तो बड़े घर को कम सजा मिलती थी जो बड़ा घर का लड़का है, और छोटे घर के जो लड़के हैं उसको ज्यादा सजा मिलती है। तो इस सब के वजह से भी लोग एक नहीं हो पा रहे थे, कि हम काहे उसका बात मानेंगे, हम क्यों एक होंगे, वो हमको खुद परेशान करता है। यहां देखिए राष्ट्रीय एकता की कमी, वही बात है कि राष्ट्रीय एकता की कमी थी, सभी राष्ट्र के लोग एक नहीं हो पा रहे थे, इन्हीं लोगों में भेदभाव था। अब देखिए यहाँ इस सब कारण था, लेकिन इस सब कारणों को इग्नोर करते हुए आखिरकार भारत को एक होना पड़ेगा और एक होकर के अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लें कि आखिरकार लोगों को अंग्रेज क्यों परेशान कर रहे थे, क्या क्या कारण था कि लोग परेशान हो गए। एक दो परेशानी से तो कोई उबेगा नहीं, ठीक है, बहुत सारे परेशानी का वजह था। यहाँ देखिए भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण, ठीक है, सबसे पहले राजनीतिक स्थिति बड़ा खराब था भारत में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार आ करके यहाँ पे राजनीति करके पूरा का पूरा हर जगह कब्जा करना चाहती थी, यानी कि साम्राज्यवाद के पोषण थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार हमेशा साम्राज्यवाद का मतलब आ करके राज जमा रहा था, लोग बहुत गुस्सा आ रहा था लोगों को। और उसके बाद से राज्य शासन व्यवस्था विक्टोरिया के अधीन, आज जो भी वहाँ के राज्य व्यवस्था था, ठीक है, वो महारानी विक्टोरिया जो वहाँ से आई थी उनके अधीन था, यानी कि पहले यहाँ राजतंत्र था, लेकिन जब वो आई तो पूरे राज्य पर कब्जा करने लगे, ठीक। और यहाँ पे 1858 में ब्रिटिश क्या उद्घोषणा दिया गया कि जितने भी राज्य हैं उस पर किसी राजा का नहीं विक्टोरिया का कब्जा रहेगा। यही है राजनीतिक कारण जिससे कि काफ़ी गुस्सा आया, और भी कारण है जिससे लोग परेशान थे भारत के। यहाँ देखिए 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन यानी कि इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट पारित कर दिया। अब देखो हुआ क्या कि अंग्रेज आकर के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, तो ये न्यूज रिपोर्टर वाले सब देख रहे थे और उन लोगों के बारे में छाप रहे थे। तो ये जो आपका लॉर्ड जो है लॉर्ड लिटन है, ये आकर के बोला कि हम लोगों के बारे में हम कितना भी अत्याचार कर लें बुरा नहीं छापना है, ठीक है, इसीलिए पेपर पर आके रोक लगा दिया। उसी को कहते हैं हम लोग क्या वायसराय का वर्नाकुलर एक्ट कहते हैं। वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1878 में। ये किस प्रकार का एक्ट, तो पेपर पर प्रतिबंध लगाया गया था कि पेपर में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छापना है, ठीक है। उसके बाद से इसके एक साल के बाद, ठीक है, 1879 में आर्म्स एक्ट लगा दिया गया। आर्म्स एक्ट क्या है,
अब जब लोग पेपर में नहीं छाप सकते थे तो लोगों को गुस्सा आता था, अंग्रेजों को मारने के लिए दौड़ते थे, उसके लिए उन लोग कहीं ना कहीं से हथियार की व्यवस्था कर लेते थे। ठीक है, तो ये लोग नियम लगा दिया कि अगर किसी के घर अगर चक्कू भी पकड़ा गया या किसी प्रकार का हथियार पकड़ा गया तो उसको भी कार्रवाई की जाएगी, यानी हथियार रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया। कब? 1879 में। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, यानी कि पेपर में भी उनके बुराई नहीं कर सकते हैं, उनसे लड़ाई के लिए हथियार भी नहीं रख सकते हैं, वो गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। उसके बाद से 1883 में, इसके 4 साल के बाद, इल्वर्ट बिल पारित हुआ। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इल्वर्ट बिल कब पारित हुआ, तो 1883 में। आते हैं 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ, 1899 में। यहां देखिए, किसके द्वारा पारित किया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। याद है ना, कर्जन वही बंगाल को तोड़ दिया था। ठीक है, तो एक बना पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल, अब बाद में पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश बना दिया गया और आज भी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये देखिए 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसने पारित किया, लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, ये किसके द्वारा हुआ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो जो था वो आया जब, तो उसने क्या किया कि बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया 1911 में। बोला कि अगर भारत का यानी बंगाल का विकास देखना है तो बंगाल अलग अलग रहेगा तो विकास नहीं होगा, एकजुट होना चाहिए। तो 5 में टूटा और 11 में फिर जुट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इतना आपको समझ आया होगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ बात आता है कि अब सभी लोग परेशान हो चुके थे, बार बार अंग्रेज नियम लगा रहा था, तोड़ रहा था, लगा रहा था, तोड़ रहा था, तो इससे उब करके, ठीक है, लोगों ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, भले पैदल जाएंगे दूर लेकिन पूरे राज्य में अकेले घूम करके सबको एक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने ही कुछ काम ऐसा कर दिया जिससे लोगों को पैदल नहीं जाना पड़ा। अंग्रेज क्या किए, कहा जाता है कि अंग्रेज अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारे, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिए हैं। देखिए कैसे, अब मान लो आप बिहार में, बिहार से जाना होगा आपको अगर गुजरात में लोगों को एक करने के लिए, तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो अंग्रेजों ने पता है क्या किया, व्यापार के लिए उन लोगों ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, मतलब कि रेलवे ट्रैक शुरू कर दिया, रेलवे लाइन बिछा दिया, टेलीफोन संचार की व्यवस्था कर दी। अब बताइए, ये सब व्यापार के लिए बेचारा किया था, लोग अंग्रेजों का दुख समझ लीजिएगा, हम लोग जो भारतीय थे उसका फायदा उठाने लगे। यहां से अगर गुजरात कोई जा रही है, बिहार से गुजरात व्यापार करने के लिए, ठीक है, तो उसी में भारत के लोग छिप के बैठ जाते थे, आ जाके गुजरात उतर जाते थे और वहाँ पे लोगों को एक करके फिर वहाँ से दूसरे राज्य में जाते थे। फिर ट्रेन जहाँ जहाँ जाती थी भारत में, सब लोगों को एक कर दिया गया। बाद में पता चला अंग्रेजों को, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा गलती हो गया, हम लोग व्यापार के लिए बनाए थे और इसी पर बैठ के सबको एक कर दिया। ठीक है, और उस तरह से सभी भारतीयों का एकीकरण हो गया और राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। तो यहाँ देखिए बेचारे लोगों के साथ क्या हुआ, डलहौजी की योजना, यानी कि वो योजना बनाया और वो राष्ट्रवाद का विकास कर गया। ठीक है, योजना था कि परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, गाड़ी की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, तब ना जाके व्यापार बढ़ेगा, रेलवे की शुरुआत किया जाए। ये सब जब शुरुआत हुआ तो इससे क्या हुआ, संपूर्ण भारत की दूरियां घटी, यानी कि भारत की दूरियां घट गई, जिसको जाने में 5 दिन लगता था वो 1 दिन में ट्रेन वहां पहुंचा देती थी और वहां पे लोग प्लान करके एक हो जाते थे और राष्ट्रवाद के विकास में सहायता हो गया। और इस तरह से बहुत ही जल्दी राष्ट्रवाद शुरू हो गया था। अब देखिए, आर्थिक कारण, पैसे रुपए का भी कारण था, अंग्रेज हम लोगों की इतनी बुरी तरह से शोषण करते थे कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी, काम कराने के बाद मजदूरी नहीं देते, मजदूरी देते थे तो बहुत ही कम, जिससे एक आदमी का गुजारा भी नहीं चल सकता था। तो आर्थिक कारण था जिसकी वजह से भी लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था। ठीक है, किसानों पर अधिक लगान लगा दिया था सब। ठीक है, उसके बाद से अस्थायी बंदोबस्त, ये भी एक प्रकार का बंदोबस्त था जिसके जरिए लोगों को परेशान कर रहा था। आपको बता दें कि कहीं भी लड़ाई इतना जल्दी नहीं होता है। ठीक है, लोग बर्दाश्त करते जाएंगे, लेकिन जिस दिन उब जाएंगे उस दिन पक्का लड़ाई करेंगे, पहले बर्दाश्त करेंगे। तो भाई परिवहन, यह आर्थिक कारण देखिए लिए, थोड़ा सा बर्दाश्त किए, चलो कोई बात नहीं। सामाजिक कारण में अंग्रेज पता है समाज में क्या करता था, यहाँ देखिए, अंग्रेज द्वारा भेदभाव किया जा रहा था। अंग्रेज हमेशा उच्च पद पर अपने अधिकारी को बैठाता था और निम्न पद या नीचे वाले पद पर भारत के लोगों को रखता था। जब तुम यहाँ शासन कर रहा है तो सबको बराबर का अधिकार दो, तो यही सामाजिक कारण था कि वहाँ भेदभाव था। रेल यात्रा में बाध्य कहता था कि भारतीय ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई कर सकता है, अंग्रेज सिपाही कर सकते हैं, लेकिन भारतीयों को, यहां तक कि गांधी जी को भी धक्का दे दिया था लो ट्रेन से। ठीक है, यहां देखिए,
नौकरी में भेदभाव, उच्च पद पर कौन रहेंगे, अंग्रेज सिपाही यानी अंग्रेज लोग रहेंगे और निम्न पद पर भारतीय लोग रहते थे, यानी नौकरी में भी भेदभाव, तो भी लोगों को गुस्सा आता था कि हम इतने टैलेंटेड है तब हमको नौकरी अच्छा नहीं मिला है और अंग्रेजवा कुछ ना जानता है, खाली वाइट वाइट गोरा गोरा हो गया है, तो उस हिसाब से उनको नौकरी मिल जा रहा है भाई, इसका मतलब यहाँ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, उसी में सुरेंद्र बनर्जी जो ICS है, ठीक है, इन्होंने ही ये बात कहा है, ठीक है, कि इतना नॉलेज के बाद भी ये पूरे अच्छे रैंक पर नहीं पहुंच पाए। धार्मिक कारण, अब देखो कहा जाता है कि इतना बर्दाश्त किया गया भेदभाव सब, लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी के धर्म से खिलवाड़ करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम अपना धर्म लाए हो तो अपने धर्म को रखो, लेकिन दूसरे के धर्म में परिवर्तन मत करो। ठीक है, अब देखिए सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन, ठीक है, धर्म में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा था, लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसमें आंदोलनकर्ता में थे स्वामी दयानंद और यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सब मुख्य नेता उसमें थे धार्मिक आंदोलन में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब इतना पूरा लोग उब गए तो यहाँ के निवासी, कोई कोई अमेरिका भी काम कर रहा था, कनाडा भी काम कर रहा था अलग अलग एरिया में, तो उन लोगों को गुस्सा आया कि वाह यहाँ से जा करके यूरोप से और वहाँ पूरा का पूरा अंग्रेज तहलका मचा है, लोगों को परेशान कर रहा है, शोषण कर रहा है, आर्थिक कारण सामाजिक कारण लोगों के धर्म से खेल रहा है, हम यहीं से प्लानिंग करेंगे और अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अमेरिका कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने जैसे कि लाला हरदयाल के सहयोग से 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना हो गई। याद रखिएगा गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 में किसके द्वारा हुई, तो लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना हुई और वहां से क्रांति शुरू हो गया। अब देखिए अब स्टार्टिंग हो चुका है, बर्दाश्त के बाहर है, अब लोग यूनिटी बनाना शुरू कर दिए हैं, अंग्रेज तो हेल्प कर ही दिए हैं, ठीक है, ट्रेन वगैरह चला करके बीच की दूरियों को घटा दिए, जल्दी अभी लोग पहुंच जा रहा था, लोगों को एक करने के लिए, राष्ट्रवाद उत्पन्न करने के लिए। अब यहाँ पे महात्मा गांधी का एंट्री होता है और महात्मा गांधी तो खैर मतलब कहा जाता है पॉलिटिक्स के राजा, ठीक है, राजनीतिक तो उन्हीं से सीखना चाहिए बहुत ही मजेदार तरीके से, और ऐसे राजनीतिक में चारों तरफ से घेरे हैं अंग्रेजों को कि अंग्रेजों को अंत में यहाँ से भारत छोड़ के अपने बाप के घर यानी कि अपने यहाँ यूरोप भागना पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। तो फिर हम लोग अगले लेयर में देखेंगे महात्मा गांधी के संपूर्ण आंदोलन ट्रिक के साथ, आपको एक थोड़ा सा भी कहीं डाउट नहीं आएगा, इतना मजेदार और हंसी वाला सब ट्रिक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।